हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक समर डिंग जो बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही टेस्टी है और झटपट तैयार हो जाने वाला वाटरमेलन जूस यानी कि तरबूज का शरबत, जो हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है और हमारे शरीर को तुरंत ताजगी प्रदान करता है, हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं। यानी वाटरमेलन जूस हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आज हम ऐसा ही समर कोल्ड ड्रिंक आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 केजी तरबूज लिया है, जिसे हमने पहले से ही धुलकर और इसको काट लिया है। थोड़ी सी शुगर ली है, थोड़े से पुदीने के पत्ते, काला नमक और नींबू का रस। इसको बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लिया है, जिसमें ये कटे हुए तरबूज हम डाल देंगे। हमने इसके बीज नहीं निकाले हैं, आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून पुदीना के पत्ते डाला है, जिसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। 4 चम्मच चीनी डाली है। वैसे तो तरबूज बहुत मीठा होता है, लेकिन इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हमने इसमें चीनी डाली है। आप चाहें तो चीनी इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 छोटा चम्मच काला नमक डाला है और नींबू का रस डाल दिया है। अब इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दी है और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। इसको हम एक स्ट्रेनर की सहायता से ऐसे इसमें छान लेंगे और जो बचा हुआ पार्ट्स है, इसके बीज हैं, ये जो बच गए हैं ये हमने निकाल दिए हैं, इसको हम हटा देंगे। अब इसको एक ग्लास में डाल देंगे, थोड़ी सी क्रश की हुई बर्फ डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। इसको पतला करने के लिए इसमें पानी भी मिला सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा पीना है तो आप इसमें पानी ना डालें। और तरबूज की स्लाइस लगाकर हम ऐसे इसको गार्निश कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, कितनी जल्दी ये वाटरमेलन ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। ये बच्चों को और घर के बड़े सदस्यों को भी बहुत पसंद आता है और हमारे शरीर के लिए लाभकारी भी है। तो दोस्तों, आप भी बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर भी कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा डाली गई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।